एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये देश का एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, लेकिन इसमें कई बातों के होते हुए भी एक मेन पॉइंट सेकुलरिज्म के बारे में भी है। इस केस में डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म पर स्पेसिफिकली कहा है कि ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सेकुलर वर्ल्ड को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में डालने के बाद ही भारत में सेकुलरिज्म स्थापित हुआ है, ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट न सही इम्प्लिसिट सेकुलरिज्म शुरू से है। भारत के संविधान में ये बताया गया है कि भारत एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि सबके लिए है, और माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन करते हुए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत जो है सेकुलर स्टेट था, और ऐसा नहीं है कि केवल 42वें संविधान संशोधन होने के बाद ही भारत सेकुलर स्टेट हुआ है।